अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे पीएच फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन में. आज है पीएच पॉइंट. पीएच जो है वो अपने मैक्सिमम रेट पे वर्क करेगी, लेकिन अगर उसको कम कर दिया जाए या ज़्यादा कर दिया जाए तो उस दौरान भी एंजाइम एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, और जब एंजाइम एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी तो वो अपना रिएक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो सकती है, या वो पूरा जो है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये सारा जो है उसकी आयनाइजेशन, ये सब डिस्टर्ब हो गए. तो यहाँ पर पीएच जो है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ऑप्टिमम नॉर्मल पीएच पे ये काम करेगा. और आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में और टेम्परेचर में भी यही चीज डिस्कस की थी. ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच. ऑप्टिमम पीएच, अ स्लाइट चेंज इन द पीएच कॉज रिटार्डेशन इन एंजाइम एक्टिविटी. जरा सा चेंज अगर पॉइंट में भी पीएच चेंज हो जाए तो वो वर्क नहीं करेगा, एंजाइम एक्टिविटी डिस्टर्ब होगी और ब्लॉक हो सकती है, और ब्लॉक इट कम्प्लीटली. एवरी एंजाइम हैज इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू. फॉर एग्जांपल, आपके सामने डायग्राम है स्टमक की. स्टमक बहुत ज़्यादा हैप्पी है, क्यों? क्योंकि पेप्सिन जो है वो वर्क करता है. पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि स्टमक के अंदर अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये जस्ट एक्टिव होगा इन एसिडिक मीडियम. जब यहाँ पर एसिडिक मीडियम होगा, यानी यहाँ पर HCl होगा, तो ही ये अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकेगा, हैप्पीली कर सकेगा. लेकिन अगर एसिडिक मीडियम की जगह यहाँ पर कोई और आपके पास मीडियम आ जाए, अल्कलाइन आ जाए, या फिर एसिडिक HCl नहीं सिक्रीट हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो ये अपना काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसके पास ये एफिशिएंट कब होगा? एसिडिक मीडियम में, तब ये अपना काम कर सकेगा. नेक्स्ट है आपके पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन जो है एंजाइम, वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली काम कर रहा है अपना. कब कर रहा है? जब अल्कलाइन मीडियम है इसके अंदर, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है. अगर पेप्सिन की पीएच चेंज कर दी जाए, या यहाँ पर सॉरी पेप्सिन की यहाँ पर पीएच ज़रा सी चेंज हो जाए एसिडिक मीडियम की, तो पीएच के चेंज होने पे पेप्सिन जो है वो काम नहीं कर सकेगा. अगर यहाँ पर ट्रिप्सिन में यहाँ पर जो मीडियम है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ पर अल्कलाइन मीडियम है, अगर वहाँ पीएच चेंज आ जाए तो ट्रिप्सिन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एफिशिएंट होता है अल्कलाइन मीडियम में. और यहाँ पर जो आपके पास एसिडिक मीडियम है, मैंने आपको पीएच के बारे में बताया था, ये है आपके पास पीएच स्केल यहाँ पर न्यूट्रल. तो यहाँ जैसे ही आप जाएंगे इस साइड पे, तो ये है एसिडिक मीडियम, और अगर आप इस साइड पे आए तो ये है बेसिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम. तो एसिडिक मीडियम आपके पास HCl का मैंने आपको बताया था, HCl में ये काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा अपना अच्छे तरीके से, और यहाँ पर ट्रिप्सिन अपना काम करेगा अल्कलाइन मीडियम में. तो जब ये इनकी पीएच नॉर्मल रहेगी, ये अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, लेकिन अगर जरा सी पीएच डिस्टर्ब होती है तो ये अपना काम करना छोड़ देंगे. तो आपके पास है फॉर एग्जांपल पेप्सिन वर्किंग इन स्टमक इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, यानी लो पीएच पे, व्हाइल ट्रिप्सिन वर्किंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन शोज इट्स एक्टिविटी इन अल्कलाइन मीडियम हाई पीएच. हाई पीएच यानी इस साइड पे अगर आप बेसिक और अल्कलाइन सेम है, यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 ये ज़्यादा होती है, और ये यहाँ पर कम होती जाएगी 5, 4, 3, 2, 1 ये कम होती जाएगी. तो इसलिए हाई एंड लो का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, क्योंकि एसिडिक में क्या होगा, यहाँ पर लो पीएच आ जाती है. 5 है तो एसिडिक, 4 है तो भी एसिडिक, 3 है तो भी एसिडिक, 2 है तो भी एसिडिक, 1 है तो एसिडिक, 8 है तो बेसिक यानी अल्कलाइन, 9, 10, 11. तो इसलिए ये कह रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में लो पीएच एंड बेसिक मीडियम में हाई पीएच, यानी हाई वैल्यू है वैल्यू, और यहाँ पर लो वैल्यू है. चेंज इन पीएच कैन अफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट, और सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा और एंजाइम अपना काम प्रॉपर तरीके से फंक्शन जो है वो नहीं परफॉर्म कर सकेंगे. इसलिए इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड ऑप्टिमम पीएच होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एंजाइम्स की एक्टिविटी पे फर्क ना पड़े. उसके जो फैक्टर्स हैं जो बताए आपको तीन, यहाँ पर टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड उसमें पीएच जो है उसका भी अपना रोल है. इसको अच्छी तरह से लर्न करें, इसके ग्राफ्स की प्रैक्टिस करें, और इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन.
व्हेन एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट, आपके पास ये है एंजाइम, ये है आपके पास सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट, इसके बाद क्या बनेगा, एंजाइम और एस को आपने प्लस किया तो आपके पास बनेगा ई एस कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया, ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपके पास सबस्ट्रेट अटैच हो गया, तो अब ये क्या बन गया, ई एस कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही ये ब्रेक करेगा यानी आगे फर्दर प्रोसीड करेगा तो एंजाइम सेपरेट और उसके साथ यहां से आपके पास क्या आए, ये आपके पास दो प्रोडक्ट आ गए, ये एंजाइम और प्रोडक्ट आ गए। तो व्हेन एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट अ टेम्परेरी एंजाइम ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, टेम्परेरी, ठीक है, ईएस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, और यहां पर आपके पास वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, आफ्टर इट द ईएस कॉम्प्लेक्स ब्रेक, ईएस कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक करेगा एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज, और प्रोडक्ट और एंजाइम रिलीज हो जाएंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो ये है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म के बाद इसके टू मॉडल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसको अच्छी तरह से लर्न करें, डायग्राम से प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो इसको कर दें ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो सके। इसको जो है आपने एक क्वेश्चन लिख लें के राइट अ डिटेल नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं वो मॉडल्स के साथ मैं आपको क्वेश्चन दिखवा दूंगी। थैंक यू सो मच।